वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही सटीक बात बोली गई है, कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आज की डेट में आप लोग किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिंदगी में कोई आप लोगों ने डिसीजन लिया है कि ये काम मुझे करना है, और आप लोगों के सामने कोई भी अगर संघर्ष आ गया और आप लोगों ने क्या किया, वो काम वहीं पर ही छोड़ दिया और किसी और काम में लग गए, फिर वहां पर कोई संघर्ष है, आप लोगों ने फिर वहां पर कोई काम छोड़ दिया वो बीच में ही, फिर आप लोग दूसरे काम पर जाकर लग गए, तो आप लोग भगोड़े बन जाओगे, कभी भी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। कोई ना कोई जगह तो ऐसी होगी जहां पर आप लोगों को टिक कर काम करना पड़ेगा, जहां पर आप लोगों को उसको समझना पड़ेगा, आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसमें अच्छा टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग चीजों को पकड़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो कभी भी आप लोग सही डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेंगे। आप लोगों को लक्ष्य तय कर उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और देखिए, अगर आप लोग संघर्ष करेंगे तो आप लोग कई सारी ऐसी चीजें सीखेंगे जो कि इंसान जो है, एक नॉर्मल जो इंसान होता है ना, जो अपना वो कहते हैं कंफर्ट जोन में है, वो कभी नहीं सीख पाएगा। तो ये सारी चीजें वही इंसान सीख पाएगा, एक्सपीरियंस उसको लगेगा जो इस तरीके से आगे बढ़ता चलेगा। तो अगर कुछ भी चैलेंज सामने आ रहा है जिसको आप लोग प्रॉब्लम बोलते हैं, चैलेंज की तरीके से लो, सॉल्यूशन निकालो और आगे बढ़ो। काफी प्यारा आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। आप लोगों को बस क्या करना है, टकटकी लगाकर आप लोगों को लेक्चर देखना है। टकटकी लगाकर आप लोग देखेंगे तो काफी कुछ चीजें आप लोग जान पाएंगे और लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है। ये क्विज की फॉर्म में आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन भी होंगे, तो जब आप लोग वो न्यूज सुनोगे तो आप लोग और अच्छे से उसके ऊपर फोकस दे पाओगे, आप लोगों को ये पता होगा कि अच्छे यहां से क्वेश्चन बना था। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड सेफ्टी डे, ये 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम क्या है? आयरन रिच राइस, यानी कि वो चावल जिनमें आयरन की क्वांटिटी काफी ज्यादा है। ये ब्रह्मपुत्र वैली किस राज्य में यहां पर ये उगाए जाते हैं, जो कि केमिकल फ्री फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, इनके खाद जो रहता है उसमें कोई केमिकल नहीं रहता है। ये राइस की जो वैरायटी है इसको एक नाम से पुकारा जाता है। ये जिस पर्टिकुलर राज्य के बारे में मैंने बात की वहां पर, वो नाम भी आप लोगों को बताइए जिसको रेड राइस बोला गया ना, एक और नाम पुकारा जाता है। एक ऐसी वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। ये यूएन की फैमिली का एक मेंबर है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग बताइए, रिसेंटली अभी ईरान की वजह से न्यूज में है, जो मैंने ये लाइन बोली है ना, ईरान की वजह से न्यूज में है। तो अगर आप लोग न्यूज फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग तुरंत बता देंगे कि कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन होगी। एक्टिव वोल्केनो अभी यहां पर देखने को मिला, किस कंट्री के अंदर, ये आप लोग को बता रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इंडिया भी इसमें रोल प्ले कर रहा है। तो माउंट नायरांगोंगो, ठीक है, नाया बेसिकली यहां पर ये है नायरांगोंगो, ठीक है, तो नायरांगोंगो जो है यहां पर ये अभी वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी फटा, और इंडियन आर्मी के द्वारा यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले किया गया पीस कीपिंग मिशन के तहत। यहां पर सिविलियन को भी बचाया और यूएन के जो ऑफिसर हैं उनको भी वहां पर बेसिकली निकाला गया। ठीक है, एक रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है जिसको बोला जा रहा है ग्लेशियर ऑफ हिमालय, जो हिमालय के ग्लेशियर हैं एक तरीके से, और क्लाइमेट जो चेंज, ब्लैक कार्बन और रीजनल रेजिलियंस। तो ये किसके द्वारा रिलीज की गई है ये रिपोर्ट, ये आप लोगों को बताना है। अभी हम लोग बैम्बो यानी के बांस के बारे में बात करेंगे, तो वर्ल्ड बैम्बो डे जो है वो यहां पर कब सेलिब्रेट किया जाता है, दिन का नाम आप लोगों को बताना है, और यहां पर वर्ल्ड बैम्बो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट कल्टिवेटर है बैम्बो का, किसके बाद में, इस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर, अभी रिसेंटली एक राज्य के द्वारा यहां पर बोला गया कि जो ब्लैक बक है वहां पर पॉपुलेशन काफी लार्ज स्केल पर बढ़ गई, और गलती से मैंने इस राज्य का नाम भी आप लोगों को बता दिया है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर घट गया। ठीक है, तो यहां पर अभी ये बोला गया उड़ीसा के जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है कि लगभग 6 साल के अंदर में जो ब्लैक बक है, अभी पिक्चर भी आप लोगों को दिखाऊंगा, तो डबल संख्या हो गई है। क्यों हो गया ऐसा, उसके बारे में जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेगी। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 अभी पब्लिश की गई, तो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है ये रिपोर्ट, ये आप लोगों को बताना है। एमबी टेक करके एक डिवाइस है यहां पर, ये डिवाइस काफी इंपॉर्टेंट है फिलहाल अभी, और ये तरीके से यहां पर डेवलप की गई है, ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब अवध, तो अवध की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी क्या है यहां पर, ये काम क्या करेगी ये डिवाइस वो जानेंगे, काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस है, तो किसानों को भी फायदा पहुंचाएगी और भी जो COVID-19 की दवाई है उनके लिए भी फायदा पहुंचाएगी, तो काफी कुछ इस दवाई के बारे में आप लोग जानने को मिलेगा। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारा डिस्कशन रहने वाला है। बात करते हैं इंपोर्टेंट डे के बारे में, आज का जो इंपोर्टेंट है डे यहां पर ये है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, यानी कि जो खाना है उसके बारे में बात की जा रही है। खाना बहुत सारे लोग जो है बर्बाद करते हैं, बहुत सारे लोगों को दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, तो काफी ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलेगा, तो कैसे फूड की सेफ्टी करनी है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है,
ताकि अगर कोई भी खाने को बर्बाद कर रहा है उसको हम लोग रोक सकें, जहां जहां पर ये दिक्कतें हैं उसको लोगों को समझा सकें। हेल्थ अगर देखा जाए तो अगर खाना सही से नहीं मिला है, भुखमरी है, तो उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। जिस इंसान को खाना नहीं मिल रहा है, क्या वो पढ़ाई में अच्छा रह सकता है? क्या एक पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट हो सकता है? तो यहां पर बेसिकली अटेंशन रखता है ताकि इंस्पायर किया जा सके, रोकने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, एक तरीके से जो भी खाने से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं। और एक मार्केट भी यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करती है, जहां पर किसानों ने खेतों में खाना उगाया, यानी कि गेहूं उगाया, फिर वो मार्केट में गया, फिर आप लोगों तक पहुंचा। तो एक तरीके से ये और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। कई सारे एरिया तो ऐसे हैं जहां पर लोग जो हैं बस कुछ खाने के लिए ही जाते हैं कि हाँ ये इस एरिया की फेमस चीज है, ठीक है। जैसे अगर बोला जाए आगरा का पेठा आप लोगों ने सुना होगा कई बार, इस तरीके से मथुरा का पेड़ा आप लोगों ने सुना होगा। तो कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर नॉर्मली लोग खाने के लिए ही जाते हैं, तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। थीम क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, ठीक है। तो फूड सेफ्टी जो है वो हर एक इंसान का बिजनेस है, इनकी हर एक इंसान को इसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा खाने की सेफ्टी के बारे में, क्योंकि बहुत सारी बीमारी भी आज की डेट में इसके साथ में जुड़ी हुई है। शॉर्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक एक कर यहां पर देखेंगे। और सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बारे में, 46th प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, 45वें थे यहां पर डोनाल्ड ट्रंप और ये है 46वें प्रेसिडेंट। इनके द्वारा क्या किया गया अभी यहां पर, ये बेसिकली एक वर्ड यूज किया गया ऑफशोर। ऑफशोर का मतलब क्या होता है? जब किसी पर्टिकुलर कंट्री में आप लोग मान लीजिए जमीन है, ठीक है, इससे यहां पर ये समुद्र स्टार्ट हो गया, तो यहां पर जमीन से थोड़ी सी दूर अंदर जाकर पानी के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश कर देना, तो उसको ऑफ श्योर बोलते हैं, यानी किनारे से थोड़ा सा हटकर, ठीक है। तो अभी यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में बोला जाता है प्रेसिडेंट मोदी, जो सॉरी प्राइम मिनिस्टर मोदी, मोदी गवर्नमेंट बोला जाता है, पर लेकिन यूएसए में बोला जाता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होती है। हमारी कंट्री में जो टर्म यूज किया जाता है ना मोदी गवर्नमेंट, नॉर्मली इतनी फ्रीक्वेंट हो चुकी है, पहले यहां पर मनमोहन गवर्नमेंट बोली जाती थी, तो कभी भी यहां पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमेशा इनका एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। और गवर्नमेंट क्या रहती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी बनाओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहती है, और यहां पर जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए एडमिनिस्टर करने आए उस पर्टिकुलर एरिया को। तो यूएसए में आप लोगों को सही टर्म लोग जो है यूज करते हुए नजर आएंगे, पर हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता है। तो अगर बात की जाए यहां पर फर्स्ट मेजर इनके द्वारा ऑफशोर अभी यहां पर एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, डोमेस्टिक एनर्जी जो इंडस्ट्री है उसके ध्यान में रखते हुए ये यहां पर बेसिकली कहां पर है, यहां पर यह है वैनयार्ड जो विंड प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैनयार्ड जो पर्टिकुलर एरिया है यहां पर, ये यूएसए के अंदर में, तो इस पर्टिकुलर एरिया में ये लगभग 23 किलोमीटर मैसाचुसेट्स, आप लोगों ने एमआईटी का नाम सुना ना, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये एमआईटी जो है यहां पर उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेक्नोलॉजी है यहां पर, ये उसके बारे में बात की जा रही है। तो उससे यहां पर जो पर्टिकुलर जो एरिया है, जो पर्टिकुलर ये सिटी है, 23 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर दूर। तो यहां पर ये एक तरीका कमर्शियल हब बनाना चाहते हैं ताकि विंड एनर्जी को अच्छे से डेवलप किया जा सके। तो जो यहां पर वैनयार्ड जो विंड प्रोजेक्ट है यहां पर, ये एस्टिमेशन ये लगाया जा रहा है कि इसके चलते यहां पर 4 लाख के करीब जो लोग हैं उनको बिजली इससे मिलने वाली है। तो काफी ह्यूज सक्सेस इस प्रोजेक्ट की होने वाली है, काफी लार्ज स्केल पर फायदा पहुंचाने वाला है। इसका जो टारगेट रखा गया है 2023 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा, एक तो ये अच्छी बात है, और 3600 यानी 3500 के करीब बोला जा रहा है कि जॉब भी क्रिएट होगी। तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके जो बाइडेन के द्वारा जो बोला गया था ना कि हम लोग आगे चलकर रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करने वाले हैं, और जो इनके द्वारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में एंट्री कर ली गई जहां से डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए थे, तो इसके चलते ये सारी वो चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, मोटा मोटा आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर ये निकल कर आ रही है, ये बात की जा रही है किसके बारे में, ये यहां पर जैक फ्रूट के बारे में। जैक फ्रूट जिसको नॉर्मली आप लोग कटहल बोलते हैं, और कई सारे लोग तो इसको बोलते हैं आप लोगों ने देखा होगा इसको यहां पर, बेसिकली जो नॉनवेज नहीं खाते उनको बोलते हैं कि ये जो नॉनवेज नहीं खाते, जो वेजिटेरियन लोगों के लिए नॉनवेज का काम करता है ये, उस तरीके का टेस्ट आता है ऐसा बोला जाता है। आप लोगों की क्या राय है, जो कोई भी यहां पर नॉनवेज वगैरह खाता है और दोनों जो कटहल भी खाते हैं उनको क्या लगता है, दोनों एक जैसे हैं या फिर नहीं है, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अभी हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर ऐसी सब्जियां उगाई जा रही हैं जिसमें हम लोग बिल्कुल भी किसी भी तरीके से हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं। यहां पर अगर बात करें हम लोग काफी ज्यादा जो भी फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं, केमिकल वगैरह होते हैं, तो इसलिए हमारी कंट्री से अलग अलग कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर फल फ्रूट जो है वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो अभी 1.2 मीट्रिक टन ये फ्रेश जैक फ्रूट जो है यहां पर ये अभी एक्सपोर्ट किए गए त्रिपुरा से लंदन। तो त्रिपुरा से लंदन यहां पर पहुंचे जैक फ्रूट जो है, बेसिकली आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ये सब्जी भी है और फल भी है, इस कैटेगरी में इसको रखा जाता है।
तो यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर इसके अंदर फूल आप लोगों को जो बेसिकली देखने को मिलते हैं, तो उसके चलते यहाँ पर ये यूज किया जाता है एज ए खाने में भी। अभी हमारी कंट्री में से रेड राइस के बारे में मैंने बात की, तो रेड राइस आसाम से यूएस से भेजा गया। आसाम में जो ब्रह्मपुत्र वैली है ना, वहां पर ये उगाया जाता है। इसमें काफी लार्ज स्केल पर आयरन की क्वांटिटी है और यहाँ पर इसको बाओ धान के नाम से भी बोलते हैं लोकल एरिया में। तो बाओ धान अगर पूछा जाए कि रेड राइस या फिर चावल को कहां पर बोला जाता है, तो आसाम में बोला जाता है। तो आसामीज फूड भी है, तो आसाम से अगर कोई हमारा फैमिली मेंबर है एसएलवी से रिलेटेड तो बताइएगा जरूर। और यहां पर आप लोग देखते हैं आसाम जो है नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और इसी के साथ में यहां पर ये वेस्ट बंगाल के साथ में भी टच करता है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन आना नहीं है। और अगर बात की जाए यहां पर आसाम जो है ये याद रखिएगा म्यांमार के साथ में बॉर्डर टच नहीं करता है। तो ये पर्टिकुलर एक न्यूज हो गई जो कि इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से पूछ ले जाए तो हल्का सा याद रखेगा। कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं, यहां पर अगर बात की जाए थी किस किस एरिया में हमारी कंट्री में ये उगाया जाता है, ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये मैक्सिमम एरिया में देखने को मिलेगा, जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तो आसाम। केरला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारी कंट्री में, ये याद रखेगा अगर आप लोगों से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले इस पर्टिकुलर फल का, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, और हाँ वर्ल्ड में पूछे तो इंडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और नेपाल, ये कई सारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर एक न्यूज बोल सकते हैं। अभी रिसेंटली ईरान में इलेक्शन की भी बात की गई, तो उसके चलते भी काफी सारी न्यूज आई यहाँ पर। आप लोगों को पता है कि ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, इंडिया जो ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी P5+1 कंट्री के द्वारा। P5 तो परमानेंट पांच मेंबर, जो कि यहां पर यूएसए हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया और जो यूके हो गया और फ्रांस हो गया, इनके साथ में मिलकर प्लस वन में था जर्मनी। तो इनके द्वारा मिलकर किसके साथ में डील साइन की गई थी, ईरान के साथ में, कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के ऊपर काम नहीं करेगा। पर लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए यहां पर जो बराक ओबामा के बाद में, तो उनके द्वारा उस डील से बाहर निकल गए और बोला गया कि ये काफी बड़े प्रतिबंध लगाएंगे, और उन्होंने पूरी हरकतें की जो वो कर सकते थे, तो इसके चलते काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल गई। तो अभी यहां पर तेहरान जो है वो ईरान न्यूक्लियर डील के अंदर नहीं है, क्योंकि यूएसए भी बाहर निकल चुके हैं। तो अभी यहां पर जो इनका एक टारगेट था किसके लिए, AIEA के लिए, तो ये क्यों है यहां पर इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये अभी यहां पर तेहरान को मॉनिटर कर रही थी कि कोई वो न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बना रहा है, क्यों न्यूक्लियर को इनरिचमेंट तो नहीं कर रहा है, तो उनके जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको जाकर ये चेक कर रहे थे। तो 3 महीने का जो इनका ये मॉनिटर करने का टाइम ड्यूरेशन था वो अभी समाप्त हो गया है। तो तेहरान यानी कि ईरान के द्वारा ये बोल दिया गया कि अब वो अलाउ नहीं करेंगे यहां पर इनको, क्योंकि यहां पर ये ऑलरेडी ये जो इनका एग्रीमेंट था वो खत्म हो चुका है। अभी अगर आगे बात की जाए तो यहां पर ऑलरेडी इनडायरेक्ट तरीके से बात चल रही है यूएसए की ईरान के साथ में, कि 2015 में जो ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी बराक ओबामा के द्वारा, उसको रिवाइव किया जाए। हालांकि जो बाइडेन जो है वो भी आराम से कदम उठा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर कोई दिक्कत झेलनी पड़ जाए, तो इसलिए काफी ठोक पीट कर चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं। ये भी अगर बात करें एटॉमिक, अगर बात करें यहां पर एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इसी पर्पज के लिए जानी जाती है कि अगर आप लोगों को न्यूक्लियर मटेरियल यूज करने हैं, तो आप लोग बॉम्ब बनाने के लिए नहीं, एनर्जी क्रिएट करने के लिए यूज करो, ताकि लोगों के घर में जो है वो बिजली के बल्ब जल सके। तो ये बातें बोली जाती हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। लगभग 173 के करीब इसमें मेंबर भी हैं आज की डेट में। और इंटरेस्टिंग बात यह है 2005 में इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वर्ल्ड में अगर बात करें यहां पर सेंट्रल इंटर गवर्नमेंटल जो फोरम है, साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन जो करती है, सेफ कैसे रखना है, सिक्योर कैसे रखना है, पीसफुल कैसे न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज करना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में। आई होप कि माइंड में अब आप लोगों के कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होता है तो बताया कीजिए जरूर, ओके। पर्टिकुलर लोकेशन भी पूछी जा सकती है आप लोगों से, और मैप बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ में एक वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, क्योंकि इंडियन आर्मी यहां पर इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अभी कोंगो के अंदर यहां पर एक माउंट है, एक माउंटेन आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, जिसके अंदर अभी वोल्केनो इरप्शन हुआ, इसको बोला जाता है यहां पर माउंट नयारांगोंगो, ठीक है। तो ये यहां पर नयारांगोंगो जो है बेसिकली ये पर्टिकुलर एरिया है कोंगो के अंदर, आप लोग यहां पर देखते हैं, ये हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इसके अंदर आप लोगों को ये एग्जैक्ट लोकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है, जहां पर ये वोल्केनो का इरप्शन हुआ। तो यहां पर जो ये वोल्केनो फटा, तो काफी लार्ज स्केल पर यहां पर इसके द्वारा जो है तबाही मचाई गई, आप लोग देखते हैं काफी लार्ज स्केल पर आसपास वाले एरिया में। तो इसके द्वारा यहां पर हमारी कंट्री की जो आर्मी है उसके द्वारा जो यूएन जो यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग मिशन है उसमें यहां पर काफी सारे जो सिविलियन है यानी कि लोकल जो लोग हैं यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो ऑफिशियल हैं उनको वहां से निकाला गया, ताकि नुकसान न पहुंचे किसी को। और ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहां पर नयारांगोंगो जो है यहां पर ये
ये इसके अंदर आप लोगों को एक्टिव वोल्केनो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और लगभग जो इसका ये हाइट है यहाँ पर ये 3470 करीब के मीटर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। जो पर्टिकुलर एक माउंटेन है ये है यहाँ पर वरुंगा, ठीक है, विरुंगा आप लोग बोल सकते हैं, विरुंगा जो यहाँ पर ये माउंटेन है ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में अल्बर्टाइन रिफ्ट है यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर एरिया से एसोसिएटेड है। विरुंगा नेशनल पार्क भी है इसके नाम पर, यहाँ पर अगर कोई पूछे आप लोगों से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर आप लोगों को नजर आएगा। यहाँ पर जो यहाँ पर लेक के नाम बोले गए हैं इनका भी आप लोग याद रखेगा, जो टाउन है यहाँ पर ये है गोमा और लेक कीवी, ठीक है, तो लेक कीव्यू, ठीक है, तो ये है पर्टिकुलर इसके बारे में। तो एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई थी, तो हल्का सा इसके लोकेशन के बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अंदर जो है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोगों से बन सकता है कई बार कि हाँ कहाँ पर ये लोकेशन है, क्यों न्यूज में है, तो एक आइडिया तो कम से कम होना चाहिए। ओके, ये वाली न्यूज मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगती है, काफी प्यारी लगती है। यहाँ पर इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया, अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, पता है ना, हाँ जिसको पता है उसको पता ही होगा। ओरोविलियन के बारे में आप लोगों ने सुना है, ओरोविलियन जो है पर्टिकुलर एक लोकेशन है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु के अंदर में। तो तमिलनाडु के अंदर में जो ये लोकेशन है इसको बेसिकली इस तरीके से डेवलप किया गया है कि यहाँ पर किसी भी कंट्री का, किसी भी रिलीजन का, किसी भी रीजन का कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो शांति में रह सकता है। तो तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर ये एक ऐसा पोर्शन क्रिएट किया गया है जिसका कुछ पोर्शन यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर जो एरिया डेवलप किया गया था इसका बेसिक पर्पज यहाँ पर यही था कि इसको इस तरीके से बनाया जाए ताकि कल को यहाँ पर कोई भी जात पात धर्म एरिया रीजन किसी के बारे में कोई बातें ना करें और उससे ऊपर उठकर यहाँ पर लोग यहाँ पर रह सकें। तो इस तरीके का यहाँ पर एक एरिया ये क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, इसीलिए यहाँ पर इसको इस तरीके से बोला गया कि यहाँ पर एक तरीके से जो ह्यूमन यूनिटी का भी दर्जा दिया गया इसको, यानी कि इंसान जो है यूनाइट होकर रहते हैं सब चीजों से ऊपर उठकर। तो इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई यहाँ पर ओरोविलियन क्रिस्टोप, जो बेसिकली यहाँ पर फॉयल्स करके एक डॉक्यूमेंट्री निकल के आई। तो इसके चलते यहाँ पर ये एवर स्लो ग्रीन, ये यहाँ पर अभी ऑफिशियली इसको यहाँ पर दिखाया भी गया बेसिकली चेंज नाउ समिट इन पेरिस के अंदर, यानी कि फ्रांस के अंदर में। तो ये यहाँ पर एवर स्लो ग्रीन यहाँ पर हुआ क्या है बेसिकली इनके द्वारा, यहाँ पर पहले 1970s में कुछ ऐसा एरिया हुआ करता था यानी कि बंजर एरिया हुआ करता था, आज की डेट में इनके द्वारा काफी अच्छा डेवलपमेंट किया गया, पेड़ पौधे लगाकर चीजें यहाँ पर काफी अच्छे से डेवलप की गई और पानी भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये ऐसा एरिया जो कि बंजर कैटेगरी में आता था आज की डेट में शानदार एक हरा भरा एरिया आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। कई सारे बच्चे अभी यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, अच्छा लगता है, पेड़ लगाते रहिए और शेयर करते रहिए, जो मैंने आप लोगों से बोला है SLV आर्मी प्लांटिंग ट्री, तो हैशटैग आप लोग यूज कीजिएगा #SLV आर्मी प्लांटिंग ट्री, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को कई बार शेयर भी किया है, तो ये जब भी आप लोग कहीं पर ये अपना प्लांट लगाते हुए, इनके पेड़ लगाते हुए कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो @वीर तालियान डाल देना इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर या फिर आप लोग ट्विटर पर हैं तो जो भी है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर ये अभी पर्टिकुलर एक यूनिक जो एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिला है, एफोरेस्टेशन होता है पेड़ लगाना, ठीक है, तो जिसके चलते यहाँ पर ये पर्टिकुलर तमिलनाडु के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेटू था उठा हुआ कुछ एरिया यहाँ पर वेलुपुरम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो चीजें देखने को मिली, तो वहां पर ये चीजें यहाँ पर की गई। अभी 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई 2018 में, तो डॉक्यूमेंट्री जो है यहाँ पर एरोविले जो फिल्म फेस्टिवल 2020 में यहाँ पर ये इसको प्रस्तुत किया गया। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों को पता रहेगा तो ये नहीं रहेगा कि यार ये कहाँ से आ गया, एकदम नया सा कुछ सुना नहीं था, ठीक है, तो मोटा मोटा आइडिया रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और हाँ अगर ये आप लोग देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से इनके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया, ठीक है, ये भी एक पिक्चर है। क्रिप्टो करेंसी हमारी कंट्री में जो वजीर एक्स और कॉइन DCX है यहाँ पर, ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हमारी कंट्री में किए जाने वाले यूजर के द्वारा लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो यहाँ पर इनके थ्रू किया जाता था। तो बिटकॉइन अभी 30% के करीब नीचे चला गया, तो इसके चलते लगभग 500 बिलियन के करीब जो डॉलर है उसकी वैल्यू का यहाँ पर नुकसान हुआ जिनके द्वारा इनमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया था। कई सारे रीजन है, एक तो चाइना ने इनको यूज करने से मना कर दिया, दूसरा इलोन मस्क साहब के द्वारा बोल दिया गया कि वो अपनी जो नई कार निकाल रहे हैं उसमें बिटकॉइन वगैरह से आप लोग उनको नहीं खरीद सकते, तो इसकी वजह से कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली। तो बाइंग और सेलिंग कैपेसिटी जो है वो थोड़ी डाउन आती है, तो तब ये चीजें देखने को मिलती है। हालांकि इसके काफी फायदे होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं बिटकॉइन यूजर फ्रेंडली है, एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर इसको आराम से यूज किया जा सकता है, तो इसके चलते यहाँ पर ये कई बार अभी न्यूज में आ जाता है। तो मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंज किए जाते हैं इंडिया के अंदर, तो वजीर एक्स हो गया यहाँ पर, कॉइन DCX हो गया यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर जेप पे हो गया, यूनो कॉइन हो गया, तो ये कई सारे तरीके थे यहाँ पर ये। तो ये अभी न्यूज में इसीलिए आ गया क्योंकि अभी ये काफी नीचे को खिसक गया है, ठीक है। बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, और यहाँ पर बात की जा रही है ब्लैक कार्बन के बारे में।
अभी ब्लैक कार्बन कैसे, मैं आप लोगों को, जैसे अगर आप लोगों को ब्लैक कार्बन समझना हो तो जैसे कि अगर आज की डेट में आप लोग कुछ भी जलाते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो भी एक तरीके से ब्लैक कार्बन का काम करता है। तो कई सारे ऐसे तरीके हैं, जगह आप लोगों को कोई बोले कि ब्लैक कार्बन कहाँ कहाँ से निकल कर आता है, सोर्स के, तो इंडस्ट्री से निकल कर आता है, आप लोग कोई सॉलिड फ्यूल जलाते हैं वहां से निकल कर आता है, डीजल फ्यूल की जो गाड़ी चलती है उससे निकलता है, ओपन अगर कोई बर्निंग आप लोग करते हैं उसमें से ब्लैक कार्बन निकलता है। तो ये माना जा रहा है कि अभी रिसेंटली जो यहां पर ये टाइटल दिया गया रिपोर्ट का, जिसको बोला गया ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयाज, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन और जो रीजनल रेजिलियंस है, ये प्रस्तुत की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो यही बन जाएगा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, इनके द्वारा ये बोला गया कि जो अभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यानी कि जो बर्फ के पहाड़ जो है वो पिघल रहे हैं, वहां पर आज की डेट में टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, इसके चलते ये पिघल रहे हैं और आने वाले टाइम में ये और ज्यादा फास्ट होने वाला है अगर हम लोगों ने ब्लैक कार्बन जैसी चीजों को कम नहीं किया तो। देखिए वैसे तो कॉमन सेंस है कि जो ये चीजें चल रही हैं उससे ये पिघलते हैं, पर फिर भी देख लेते हैं रिपोर्ट में क्या क्या बातें बताई गई हैं। इनके द्वारा जो कवर किया गया यहाँ पर ये हिमालयन काराकोरम हिंदकुश जो रीजन है माउंटेन रेंज, यानी कि जो हिमालयन रेंज है उसको इनके द्वारा कवर किया गया ताकि चीजों को अंडरस्टैंड किया जा सके। तो इसमें इनके द्वारा यहाँ पर एक स्टडी की गई और यहाँ पर जो ब्लैक कार्बन है बोला गया कि शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट है, ये कम समय के लिए रहता है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर बात की जाए तो प्लैनेट पर आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सबसे ज्यादा अगर कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ब्लैक कार्बन आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। तो इसलिए भी यहां पर इसके ऊपर फोकस गया कि हाँ यार ये चीज थोड़ी कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो क्विकली वोस्ट आउट हो जाता है यहां पर और इसको एलिमिनेट किया जा सकता है एटमोस्फियर एमिस, अगर हम लोग एमिशन को स्टॉप कर दें। तो कहने का मतलब यह कि तरीके भी हैं अगर आप लोग थोड़ा सा चीजों को सुधार कर चलो, और खासकर लोकलाइज सोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसकी वजह से इसके ऊपर इंपैक्ट काफी ज्यादा पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया ना, कुछ जैसे खेतों में अगर पुआल वगैरह भी आप लोग जला रहे हैं तो भी ब्लैक कार्बन का यहां पर काम करेगा। तो काफी लार्ज स्केल पर इसे अर्थ के ऊपर पोल्यूशन, इसी के साथ में आप लोगों को एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जैसी भी चीजें देखने को मिल सकती हैं। अभी यहां पर जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं इसका रीजन क्या है, आप लोगों ने एक एल्बिडो इफेक्ट पढ़ा है जो जियोग्राफी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा, क्या मैंने भी आप लोगों को 2-3 बार तो वहीं पढ़ा चुका हूं। एल्बिडो क्या होता है, बेसिकली किसी प्रोडक्ट की एल्बिडो ज्यादा, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक सरफेस है उस पर सूरज की रोशनी पड़ी और वो फिर रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये उसका एल्बिडो इफेक्ट बताएगा कि वो कितनी ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी, जितनी ज्यादा रिफ्लेक्ट उतना ही हाई एल्बिडो हो गया यहां पर। तो व्हाइट पे से जो रोशनी है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है और ब्लैक जो है वो सारी अब्सॉर्ब कर लेता है। इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि सर्दियों में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ब्लैक कपड़े पहनने हैं ताकि शरीर के अंदर गर्माई बनी रहे, और गर्मियों में आप लोगों को व्हाइट कपड़े पहनने सूती, ताकि सर्दी में थोड़ा सा, गर्मियों में थोड़ा सा आप लोगों की सर्दी जो बॉडी है वो ठंडी रहे। तो मतलब क्या है कि वो रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, जिसके चलते ज्यादा गर्म नहीं होता है। तो अभी हमारी पृथ्वी पर जब यहां पर इस तरीके ब्लैक जो यहां पर ये आप लोगों को ब्लैक कार्बन देखने को मिलता है, तो जो डिक्रीज हो जाती है सरफेस की जो रिफ्लेक्ट करने की सनरेज को कैपेसिटी, तो इससे क्या होता है उसको और एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये वातावरण में रहते हैं तो और ज्यादा गर्म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी के अंदर घुसने के बाद में इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं और वहां पर ये सूरज की रोशनी को भी एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है और आज के डेट में कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो रही है कि काफी लार्ज स्केल पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ये रेट काफी बढ़ता हुआ जा रहा है, बोला जा रहा है कहीं पर तो 0.3 मीटर देखने को मिलेगा पर ईयर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और कहीं पर 1 मीटर तक भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये जो इंपैक्ट पड़ रहा है इससे क्या होगा, अगर कहीं से कोई पहाड़ है वहां पर बर्फ जमा हुआ है, अब ये बर्फ यहां से पिघलेगा तो नदियों के थ्रू होता हुआ ये कहां पर आएगा, ये कई सारी नदियां हैं लोकल एरिया में पहुंचेगा, तो जहां पर पहुंचेगा वहां पर बाढ़ आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है, सोयल इरोजन, मिट्टी का कटाव हो सकता है, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट जो अभी आप लोगों ने देखा उत्तराखंड में हो गया था कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो इसके चलते कई दिक्कतें देखने को मिलेगी, इसके चलते यहां पर वाटर शॉर्टेज की भी कमी आ सकती है। पता चला ग्लेशियर पिघल कर सारे निकल गए तो जो रिवर हम लोग जिनको एवरग्रीन रिवर बोलते थे वो रिवर अब एवरग्रीन नहीं रही, पता चला कभी कभी वो रिवर यहां पर हलती फूलती है, खुलती फूलती है, यानी कि एक तरीके से बहुत सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलने लगती है। तो इसलिए जो एवरग्रीन रिवर है उनके बारे में तो कम से कम सोचना ही पड़ेगा क्या क्या दिक्कत देखने को मिलती है। तो बोला यह जा रहा है कि अगर हम लोग प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करें यहां पर ब्लैक कार्बन को, तो यहां पर इसको कम करने की बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं काफी हद तक हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं जो यहां पर टेम्परेचर भी है पृथ्वी के ऊपर, ताकि चीजों को हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट भी कर पाए, ठीक है। तो ये बातें हैं जिसकी चलते यहां पर कई सारी चीजें ऐसी हैं हमको इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब अकेली कंट्री से तो काम चलेगा नहीं, यहां पर सारी कंट्री मिलकर अपने अपने एरिया में अगर ये काम करेंगी तो और अच्छा सा रिजल्ट यहां पर निकल कर आएगा। आइए अब यहां पर हम लोग जो बात करने वाले हैं ये नेशनल न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या बातें बोली जा रही है समझ लेते हैं। बात की जा रही है ग्रीन गोल्ड कलेक्शन के बारे में।
ग्रीन गोल्ड कलेक्शन क्या है बेसिकली यहां पर, अगर आप लोगों से पूछ ले डायरेक्टली कोई कि ये ग्रीन गोल्ड क्या है यार यहां पर, तो ग्रीन गोल्ड है यहां पर बांस, जो बेम्बो जिसको आप लोग बोलते हैं, तो उसके बारे में बात की जाती है। तो कई सारे प्रोडक्ट जो है ये बांस से बनाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ये बांस का यूज करके ये सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो जिन एरिया में बांस को काफी ज्यादा प्रिफरेंस किया जाता है उन एरिया में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई सारे लोगों के लिए ये रोजी रोटी का भी रीजन बन जाता है यहां पर ये। तो बांस के बारे में यहां पर समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक यहां पर क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, अगर बात करें तो यहां पर वर्ल्ड बैम्बो डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 18 सितंबर को, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैम्बो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर पूछे कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बैम्बो कहां पर उगाए जाते हैं, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उगाया जाता है चाइना में, और दूसरे नंबर पर हमारी कंट्री यानी कि इंडिया के अंदर में, ठीक है। तो लगभग मोटे मोटे तौर पर अगर बोला जाए तो हमारी कंट्री वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर जो ग्रीन गोल्ड उगाने वाली कंट्री है। तो ग्रीन गोल्ड याद रहेगा, इसके इसको यहां पर पुअर मैन का टिम्बर भी बोलते हैं, जो अमीर आदमी है वो टिम्बर से अपनी घर बनाते हैं, टिम्बर की लकड़ी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और जो गरीब आदमी है वो बांस से अपने घर बनाते हैं बैम्बो से, इसलिए इनको टिम्बर बोला जाता है, गरीबों का टिम्बर, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग। जो हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करिए तो इसके ऊपर काफी ज्यादा काम किया गया है, नेशनल बैम्बो मिशन भी है हमारी कंट्री में, जिसके चलते बैम्बो को लेकर चलने की बात की गई, एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का उसमें अमेंडमेंट किया गया 2017 में, और जो बैम्बो था उसको ट्री की कैटेगरी से हटा दिया, याद रखना बैम्बो को घास की कैटेगरी में रख दिया गया ले जाकर, बैम्बो ट्री नहीं है, बैम्बो को पेड़ की तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, उसको एक घास की तरीके से ट्रीट किया जाता है ताकि उसको काटा जा सके, उगाया जा सके, और लोग ज्यादा से ज्यादा उसको यूज कर सके। अगर पेड़ रहता है तो काटने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसलिए यहां पर ये ऐसा प्रोविजन यहां पर किया गया, ठीक है। हमारी कंट्री में अगर बात करें तो मैक्सिमम एरिया में आप लोगों को बैम्बो देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर बात की जाए अभी क्यों न्यूज में, गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर बेसिकली डेडिकेट किया गया एक विंडो द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन के लिए, यानी कि बैम्बो के लिए, और यहां पर गवर्नमेंट ई मार्केट जो पोर्टल है ये यहां पर काम करेंगे बैम्बो गुड को सपोर्ट करने के लिए, जो भी बैम्बो से कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाया जा रहा है तो उसको सपोर्ट किया जाएगा इनके द्वारा। ये जो विंडो है इसमें काम कौन कौन कर रहे हैं, यहां पर दो ठो ऑर्गेनाइजेशन यहां पर है, एक तो नेशनल बैम्बो मिशन यहां पर काम कर रहे हैं, और एक तरीके से यहां पर गवर्नमेंट ई मार्केट, ये मिलकर काम कर रहे हैं। तो इससे क्या रहेगा, यहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो बैम्बो से जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट यहां पर जो भी डिस्पोजल या फिर जो भी यहां पर यूटिलिटी जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट यहां पर दिखा दिए, ठीक है, ये टोकरी बनाई जाती है, बास्केट, बकरी, यहां पर झाड़ू या बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है, तो इनमें यहां पर यूज किया जाता है। तो एम क्या है, सीधा सीधा एम यार ये है कि जो भी यहां पर इस फील्ड में काम करते हैं बैम्बो वाले फील्ड को यूज कर जो भी काम करते हैं, चाहे इवन यहां पर वीवर्स भी हो गए, एंटरप्रेन्योर हो गए, या फिर बैम्बो आर्टिशियन हो गए यहां पर, तो ताकि मार्केट की एक्सेस उनको मिल सके और अच्छे लेवल पर चीजों को आगे लेकर चल सके, तो गांव वाले एरिया की जो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था है वो अच्छी बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत की ओर भी हमारा एक कदम बढ़ेगा। नेशनल बैम्बो मिशन 2018-19 में लाया गया और इंप्लीमेंट किया था हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, जैसे मैं यहां पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, डेली दो लेक्चर लेकर आ रहा हूं, जो बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं जो नैनो मैगजीन है वो लगभग 25,000 से 30,000 के करीब लोग देख रहे हैं, और जो हिंदू वाली वीडियो है वो लगभग 40-45,000 के करीब लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अब आप लोगों को बोल दूं कि मैं हर एक इंसान को जाकर कम से कम 3 लोगों को पढ़ाना है, ठीक है, तो अगर आप लोग 3 लोगों को पढ़ाएंगे तो यहां पर और ज्यादा लोग यहां पर इसके साथ में कनेक्ट होंगे। तो मान लीजिए अगर 40,000 लोग यहां पर पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने जाकर 3-3 लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो जो लोग मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी पर्सन आप लोग पढ़ रहे हैं आप, उसका 3 गुना ऑलरेडी आप लोग यहां पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि और इतने लोग यहां पर आप लोग पढ़ा पाएंगे, यानी कि पूरा एसएलवी जो आर्मी है वो पढ़ा पाएगा। तो हब और स्पोक का मतलब क्या होता है, यानी कि बीच में कौन हो गया, हब वो तो मैं हो गया, मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, अब स्पोक आप लोग हो गए जो मेरे साथ में कनेक्ट हैं, अब आप लोग लोगों को जाकर पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को जिनको पढ़ाया वो किसी और को पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से ये हब एंड स्पोक मॉडल होता है कि एक पर्टिकुलर सेंटर से चीजें निकल के चलती है, तो उसके थ्रू भी इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव तो यही है कि यार जो फार्मर है उनको यहां पर कनेक्ट किया जा सके, स्किल जो बेसिकली ट्रेडिशनल बैम्बो क्राफ्टमैन के साथ में मार्केट के साथ में अपग्रेड की जा सके उनकी स्किल। और ये किसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर काम कर रही है। गवर्नमेंट ई जो मार्केट है ये वन स्टॉप जो यहां पर नेशनल वन स्टॉप नेशनल जो प्रोक्योरमेंट एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है यहां पर, ये जहां पर जाकर सामान बेच सकते हैं आप लोग, और ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विस आप लोग यहां पर देखने को मिल जाएगी, यानी कि काफी अच्छे से यहां पर काम किया जा रहा है, इसको सपोर्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है अगर जो इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं, अगर उनको आप लोगों को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। अभी अगर आगे बात करें थोड़ा सा इसके बारे में और, यहां पर तो लॉन्च किया गया था 2016 में, एम क्या है, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो यहां पर काम करती है आप लोगों को नजर आएगी।
प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस का जो काम करता है, तो मिनिस्ट्री के जो PSUs हैं वो यहां पर सामान लेकर जाते हैं, गुड्स एंड सर्विस यहां पर देखने को मिलती है, जो इसके चलते आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर ई बिडिंग यहां पर देखने को मिलती है, ऑनलाइन ऑक्शन किए जाते हैं इन चीजों के, ताकि वैल्यू फॉर मनी यानी कि लोगों को उनका जो लगाया हुआ पैसा मिल सके। यहां पर अगर बात करें तो 30 लाख के करीब जो प्रोडक्ट बेसिकली बेचे जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर मोर देन 30 लाख के करीब प्रोडक्ट यहां पर, और 10 लाख के करीब करोड़ वर्थ का ट्रांजेक्शन अभी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये काफी सारी एक अच्छा तरीका है अगर हम लोग इस फील्ड के बारे में बात करें तो आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी, तो मोटा मोटा आइडिया जरूर रखिएगा। अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं यहां पर स्टेट के बारे में, यानी कि राज्य के बारे में। ये जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है उड़ीसा से, तो उड़ीसा का स्टेट फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा भी बोला गया है कि डबल कर दी गई है उन्होंने संख्या, किसकी, ये डबल संख्या इनके द्वारा की गई है ब्लैक बक की। ठीक है, तो जो ब्लैक बक है यहां पर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये है ब्लैक बक, जो पर्टिकुलर पिक्चर में आप लोगों को ये जो हिरण होते हैं कुछ इस तरीके के ये देखने को मिलेंगे। वैसे कई तरीके की जातियां आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी जिनको एंटूलूफ के नाम से भी बोला जाता है। तो अगर बोला जाए तो 6 साल में इनके द्वारा यहां पर इसको बेसिकली इस लेवल पर लाया गया है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है ब्लैक बक को, जो ब्लैक बक को अगर पूछे साइंटिफिक नाम क्या है इसका, तो एंटीलूप सर्वाई कैपरा। ठीक है, तो ये इसका नाम रखा गया यहां पर सर्वाई कैपरा, बेसिकली जो ये हमारी कंट्री में आप लोग को देखने को मिलेगा, तो साइंटिफिक नेम याद रखेगा। वैसे अगर बात की जाए नेटिव इंडिया और नेपाल में नजर आ जाएंगे आप लोग को, हमारी कंट्री में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पेनिनसुला इंडिया, इनके साउथ इंडिया में भी आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। अगर बात की जाए तो ग्रास लैंड वाले एरिया में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं, और ये माना जाता है कि चीता के बाद में अगर सबसे ज्यादा कोई दौड़ता है तो वो यही दौड़ते हैं। यानी कि अगर रेस के मामले में बातें की जाए, जो इनकी एक्टिविटी है उसके बारे में बात करें, तो चीता के बाद में सबसे जो तेज दौड़ने वाले प्राणी यही है। अगर इनके प्रोटेक्शन के बारे में आप लोगों से बात करूं, ब्लैक बक के प्रोटेक्शन के बारे में, तो हमारी कंट्री, सॉरी हिचकी आ रही है, 1927 में हमारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सॉरी 1972 है। ठीक है, तो यहां पर शेड्यूल वन में अगर किसी को रखा जाता है तो इसका मतलब काफी अच्छे से इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, IUCN के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं, ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें इसको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया है, तो इसके चलते आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अगर बात की जाए अभी फिलहाल इसके हैबिटेट जो थे जहां पर ये रहते थे वहां पर डिफोरेस्टेशन किया जा रहा था, पेड़ पौधे काटे जा रहे थे, इलीगल हंटिंग इनकी हो रही थी, उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती थी, पर फिलहाल अभी वो सारी चीजें चेंज की गई जिसके चलते यहां पर इनकी जो संख्या है वो बढ़ी है। ये एक तरीके से, एक तो ये है कि दिन के टाइम में ही एक्टिव रहते हैं, रात को शांति में रहते हैं जैसे इंसानों की तरीके से, और इनको कई राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, किसी एक राज्य का नहीं, कई राज्य का स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया गया है। सिंबल ऑफ प्योरिटी भी देखा जाता है इनको हिंदुज्म में, अगर आप लोग बात करिएगा हमारी कंट्री के अंदर में, बेसिकली बुद्धिज्म के अंदर इसको सिंबल ऑफ गुड लुक के एक तरीके से, सिंबल ऑफ गुड लक के तरीके से देखा जाता है। गुड लक नहीं होता एक तरीके से, जैसे बोलते हैं कि एग्जाम देने जा रहा, गुड लक ब्रदर, अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है, तो प्योरिटी का देखा जाता है इसको कहां पर, ये देखा जाता है हिंदुज्म के अंदर में, बुद्धिज्म के अंदर में इसको गुड लक के तरीके से देखा जाता है। और ब्लैक बक को उड़ीसा के अंदर जाएंगे तो यहां पर कृष्ण सारा जो मार्ग है, जो कृष्ण सार मार्ग एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो ये बेसिकली देखा जाता है इसको। अगर बात की जाए यहां पर अभी रिसेंटली जो यहां पर जो बालूखंड जो कोणार्क कोस्टल प्लेन है, बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां पर देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ में बाली पादार। ठीक है, तो ये बाली पादार ये है यहां पर भिटनोई। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां पर जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर देखने को मिलेगा, तो ये काफी लार्ज स्केल पर नजर आते हैं। अगर एंटीलूप के बारे में बात करें तो 7,358 के करीब देखने को मिले, जबकि 2011 में ये 2,194 थे, तो काफी अच्छी संख्या यहां पर बढ़ी क्योंकि इनका हैबिटेट यानी कि रहने की जगह इंप्रूव हुई, और इसी के साथ में जो लोकल लोग हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं फॉरेस्ट स्टाफ के साथ में, तो उसकी वजह से भी इनकी अच्छी खासी उन्हें कहते हैं कि देख रेख यहां पर बढ़ गई है। तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जो नवीन पटनायक साहब, उनके द्वारा भी एक अच्छा काम किया जा रहा है। अच्छा, जो ये लेक्चर उड़ीसा से देख रहे हैं आप लोग, ये बताइए कि नवीन पटनायक साहब काफी लंबे समय से वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब किस तरीके से, क्या वो एक काफी एक जनता से कनेक्टेड रहते हैं, किस तरीके से, मतलब आप लोग उनके बारे में आप लोग की क्या राय है अगर पूछे जाए तो। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि अगर किस तरीके के पॉलिटिशियन होते हैं, किस तरीके से मतलब सीखा जा सकता है लंबे समय तक जनता से कैसे कनेक्ट रहना है, कुछ उनके वेलफेयर के बारे में बात करो तो ये चीजें आप लोगों को कई बार देखने को मिलती है। पर लेकिन मैक्सिमम पॉलिटिशियन क्या करते हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं है क्योंकि शॉर्ट टर्म वो गेन के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं।
इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं, और जब इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर जो निकलकर सामने ऑर्गेनाइजेशन आ रही है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जो रिसेंटली अभी पब्लिश भी की गई, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 की अगर पूछेगी कौन बनाता है, किसके द्वारा बनाएगी, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा यहां पर यह बनाएगी। तो ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो एक्सपेक्टेड टू रिबाउंड, यानी कि फिर से यहां पर यह बढ़ने वाला है। 10% ईयर ऑन ईयर रिबाउंड यहां पर देखने को मिल रहा है। 1.9 ट्रिलियन के करीब यहां पर चीजें देखने को मिलेंगी। शिफ्ट जो है यहां पर ट्रेडिशनल फ्यूल से सब दूसरी यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ को जा रहे हैं, यानी कि नॉर्मली जो कोयला वगैरह ये सब मिट्टी का तेल वगैरह आप लोगों ने देखा होगा ना पुराने टाइम पे मिट्टी का तेल, लैंप याद है आप लोगों को, जो लैंप वगैरह जला करता था जो मिट्टी के तेल से यहां पर वो जलता था, जिसपे मैं काफी लंबे समय तक पढ़ा हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके का देखने को मिलता था। तो शीशा बड़ा फूटता था ये, यहाँ पर इस तरीके से कागज लगा लिया जाता था, ये लैंप रहता था, ठीक है, लाल टेन से भी पढ़े हैं कई सारे लोग। तो यहाँ पर अगर बात की जाए ग्लोबल एनर्जी के बारे में यहाँ पर, तो अभी आज के डेट में यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर रिन्यूएबल एनर्जी और फिक्स हो रहे हैं। जब भी आपने स्टार्टिंग में मैंने बताया ना कि जो बाइडन साहब भी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं, तो ग्लोबल एनर्जी जो डिमांड है यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4.6 ईयर, ये 4.6% बढ़ने वाली है 2021 तक यहाँ पर अगर बात की जाए। और इसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से बात की जा रही है कुछ कॉन्ट्रेक्शन 2020 में देखने को मिला, अब बढ़ने वाली है चीजें। रिन्यूएबल एनर्जी है क्यों हुआ कॉन्ट्रेक्शन, क्योंकि COVID-19 के चलते रिक्वायरमेंट ज्यादा रही नहीं, तो इसके चलते यहां पर लार्जेस्ट शेयर जो है यहां पर 70% के करीब रिन्यूएबल एनर्जी को देखा जा रहा है कि यहां पर इसमें बूस्ट मिलने वाला है, यानी कि आने वाले टाइम में इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जाने वाला है। तो इंटरनेशनल जो यहां पर ये एजेंसी है इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से करूंगा, पहले और समझ लेते हैं। फॉसिल फ्यूल जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10%। यहां पर आगे अभी कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो इसके ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट है। तो कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जो फैसिलिटी है या फिर बायो एनर्जी जो है यहां पर ये टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी ताकि चीजों को संभाला जा सके। कोल फायर्ड जो बेसिकली पावर है 2020 में मोस्टली ड्रिवन चाइना में, यहां पर कोयला भी है अभी फिलहाल जो है डाउन किया जा रहा है, ठीक है, बट नॉट येट आउट, ऐसा नहीं है कि कोयला बिल्कुल बंद कर दिया है। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं आज के डे में न्यूक्लियर एनर्जी की ओर जा रही हैं, पर कोयले से रिलेटेड जो चीजें चल रही हैं उनको बंद कर रही है ताकि एनवायरमेंट के ऊपर ध्यान रखा जा सके, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कत ऑलरेडी दुनिया जो है वो झेल चुकी है। तो अब इसके चलते उन्हें कहते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वही चीजें हैं, अभी कंडीशन खराब हो रही है तो इनको समझ में आ रहा है काफी अच्छे लेवल पर। तो अभी अगर आगे बात की जाए यहां पर, अगर बात की जाए यहां पर इन सब चीजों को आगे लेकर चला जाए, तो अभी इंक्रीज अगर होगा यहां पर कार्बन डाई एमिशन के अंदर में तो दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है, उसको रोकना है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें 2020 में यहां पर कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिला, इनके एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हुआ चीजें, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन रहा, लॉकडाउन लगा COVID-19 के चलते। ग्लोबल एमिशन जो है वो यहां पर बढ़ रहा है 1.5 बिलियन टन 2021 में, फिर से चीजें रिबाउंड करने वाली है और चीजें बढ़ने वाली है, ऐसी बातें यहां पर बोली गई है। तो कहने का मतलब यह कि अभी जो है बुरा वक्त जो है अभी और आएगा, अगर कंट्री में जिस कंट्री में डोनाल्ड ट्रंप के जैसे माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं वहां पर तो दिक्कतें और देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल जो यहां पर एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, इसके बारे में अगर बात की जाए, इसको 1974 में तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था, कहां पर, पेरिस फ्रांस के अंदर में। तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर में है। ये एनर्जी पॉलिसीज क्या क्या ला रखी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होना है, एनर्जी सिक्योरिटी कैसे होनी है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कैसे करना है, इन सब मुद्दों के ऊपर ये बात करती है। तो तीन ई यहां पर आप लोगों के सामने आ गए, ठीक है, इकोनॉमिक हो गया, एनर्जी सिक्योरिटी हो गया और इसी के साथ में यहां पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो 3E के ऊपर काम कर यहां पर ये इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करती है कि क्या इंपैक्ट यहां पर पड़ने वाला है। इंडिया जो है यहां पर वो एसोसिएट मेंबर बना 2017 में इसका, जो कि इंगेज रहता है सही तरीके से कि कैसे हम लोग को चीजों को आगे लेकर चलना है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट अगर आप लोगों से पूछा जाए किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है एनर्जी के बारे में, ये तो ये वर्ल्ड एनर्जी जो यहां पर जो वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, यहां पर ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट, तो ये कई सारी रिपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। रिसेंटली इंडिया के द्वारा प्रस्तुत की गई यहां पर इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट, ठीक है, तो ये कई सारी रिपोर्ट है, जैसे नेट जीरो बाय 2050 ये भी रिपोर्ट निकल कर आई। तो कई सारी कंट्री इन सब चीजों के ऊपर फोकस दे रही है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस दिया जा सके और इन चीजों से डिस्टेंस बनाया जा सके, ठीक है। तो इसकी वजह से भी यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में कई बार आ जाते हैं। तो एक मोटा मोटा आइडिया कम से कम आप लोगों को होना चाहिए कि ये चल क्या रहा है, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। आगे बढ़ते हैं, अगली जो न्यूज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रही है, और यहां पर जो बात की जा रही है ये एमबीटेक। एमबीटेक के बारे में मैंने आप लोगों से बताया भी था अभी यहां पर कि एक काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो यहां पर बनाया गया है इंडिजिनस, यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा, तो IIT रोपर जो कि पंजाब के अंदर है इसके द्वारा बनाया गया, और फर्स्ट अपने ही तरीके की डिवाइस है जो कि यहां पर यूज की जाएगी टेम्परेचर को रियल टाइम में काउंट करने के लिए।
मान लीजिए अभी बोला गया COVID-19 की जो दवाई लेकर जा रहे हैं उसके लिए एक टेम्परेचर रहना चाहिए जो कि काफी ठंडा टेम्परेचर और माइनस में भी टेम्परेचर है तो ज्यादा बेटर है। अगर सब्जियां जो हम लोग को एक एरिया से दूसरे एरिया में लेकर जानी है तो उनका टेम्परेचर क्या रखना है, पता चला कि टेम्परेचर पर वो बेकार हो रही है तो थोड़ा टेम्परेचर सुधारा जा सके तो काफी ज्यादा फायदा इस डिवाइस का आगे देखने को मिल सकता है। तो जो डिवाइस है यहाँ पर ये अवध यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड वाटर जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया। इट्स जो स्टार्टअप यहाँ पर ये किसका है यहाँ पर स्क्रेच नेट, ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर ये कनेक्टेड है। एमबी टैग जो है यहाँ पर एक तरीके की यूएसबी टाइप की यानी कि यूनिवर्सल जो सीरियल बस है डिवाइस आप लोगों को देखने को मिलेगी। और फर्स्ट इंडिजिनस जो टेम्परेचर डेटा ये लोगर आप लोग बोल सकते हैं जो कि कोल्ड चेन मैनेजमेंट में भी काम आएगी। ऐसे नहीं जैसे कि मैंने बताया कि किसानों का जो प्रोडक्ट है वो कई बार खराब हो जाते हैं तो उसको कैसे कॉन्टिन्यूसली रखना है सही डायरेक्शन में, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये काम करती हुई नजर आएगी। अब तक की जो डिवाइस यहाँ पर अवेलेबल है अगर उनको चार्ज किया जाता है तो 30 से लेकर 60 दिन तक यहाँ पर उनका एक तरीके से अवेलेबल होता है जो ड्यूरेशन पर, लेकिन ये जो नई डिवाइस आ रही है ये लगभग 90 दिन तक ये सिंगल चार्ज में यहाँ पर चल सकती है तो ये अच्छी बात है। और -40 से लेके ये +80 डिग्री टेम्परेचर तक यहाँ पर ये काउंट कर सकती है टेम्परेचर को। तो इससे क्या फायदा रहेगा, इससे ये फायदा रहेगा कि चीजों को हम लोग सेट करते हैं अगर कोई लिमिट ये होनी चाहिए तो उसको हम लोग चेक कर पाएंगे कॉन्टिन्यूसली। तो अगर इसके अंदर से डेटा भी चला जाता है तो यूएसबी को यूज करके उसको रिट्रीव किया जा सकता है तो ये काफी अच्छा है। सिग्निफिकेंस क्या है, वेजिटेबल हो गया, मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, उनके लिए एक सिग्निफिकेंस टेम्परेचर होना चाहिए कि यहाँ पर उसके अगर वो टेम्परेचर नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, प्रोडक्ट खराब हो जाएंगे। तो इसके चलते अगर एनिमल सीमन के बारे में बात करें, ठीक है, जैसे अगर ह्यूमन के बारे में बात करें तो स्पर्म आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ऐसे ही एनिमल में सीमन होते हैं। अगर कल को चलकर हम लोग को नए जानवर से नए बच्चे पैदा करने हैं तो ये सीमन को एक ऐसे टेम्परेचर पर रखने की कोशिश की जाती है ताकि ये प्रिजर्व किया जा सके ढंग से, तो उसमें भी ये काफी बड़ा हेल्प करेगा खासकर एग्रीकल्चर के फील्ड में। COVID-19 की दवाई के बारे में भी आप लोगों को बात की, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके लिए टेम्परेचर आप लोगों को रखना है। तो ये सारी चीजें अच्छी किस लिए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी कंट्री में प्रोडक्ट बनाया गया, अब तक हम लोग इनको इंपोर्ट कर रहे थे यार, और किससे, सिंगापुर, हांगकांग, आयरलैंड, चाइना, इनसे इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमारी कंट्री में बनाई जाएगी, हमारी कंट्री की खुद की डिवाइस और हम लोग खुद यूज करेंगे, तो हो गई ना बल्ले बल्ले। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अब हम ही अपनी कंट्री की डिवाइस हम ही अपने आप यूज करेंगे, किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी रखने की जरूरत नहीं है। आगे अगर बात की जाए सोशल इशू के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, और यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली पेंशन के बारे में। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली COVID-19 के चलते, तो कई सारे जो लोग यहाँ पर जिसके रिश्तेदार भी कई सारे लोग मर गए, कई सारों की डेथ हो गई, तो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया कि एक्सटेंड किया जाएगा पेंशन को। तो इसके चलते यहाँ पर जो इम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर रोल प्ले कर रही है। तो इंश्योरेंस बेनिफिट जो है बेसिकली यहाँ पर ये तो इम्प्लॉय डिपॉजिट जो लिंक्ड इंश्योरेंस है उसके चलते यहाँ पर ये बेसिकली फायदा मिलने वाला है जो कि इंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत यहाँ पर रजिस्टर है। तो अगर बात करें एक्सटेंशन जो दिया जा रहा है यहाँ पर इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू चीजें चल रही है, और यहाँ पर यह माना जा रहा है कि जो ओल्ड डिपेंडेंट है मेंबर्स ऑफ एलिजिबल पेंशन के लिए इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ द एवरेज डेली जो वेज होती है, तो जिसको काम कर रहे तो उसके तहत यहाँ पर ये बेसिकली पेंशन दी जाएगी। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आज के डेट में बहुत सारे लोगों की जान चली गई है तो उनको कैसे यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोविजन किया जाए ताकि उनकी जो फैमिली है जो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहती है उनको फायदा हो सके, जिनकी डेथ हो गई है उनके लिए यहाँ पर कुछ कर सके, तो उसके चलते ये यहाँ पर एक तरीका स्टेब्लिशमेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ वगैरह डेट रखी गई है उसमें यहाँ पर इनके द्वारा 24 मार्च से लेकर 2020 से 24 मार्च 2022 तक का रखती रही है, तो रेट्रोस्पेक्टिवली काम किया जा रहा है, यानी कि अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस कब कर रहे हैं इसको, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं जून के महीने में 2021 में, पर लेकिन इंप्लीमेंट किया जाएगा ये मार्च के महीने से 2020 से जाकर, तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव बोल रहे हैं पीछे जाकर इंप्लीमेंट करना, ठीक है। इंश्योर्ड जो पर्सन है यहाँ पर ये जो रजिस्टर किए हुए यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर अगर बात की जाए ESIC ये क्या था यहाँ पर, ये था बेसिकली इंप्लॉयमेंट जो बेसिकली इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो कॉर्पोरेशन है यहाँ पर ये, तो इसके ऑनलाइन पोर्टल पर यहाँ पर ये एट लीस्ट यानी कि मिनिमम 3 महीने से यहाँ पर ऑलरेडी प्रायर इसने यहाँ पर रजिस्टर करा रखा हो डायग्नोसिस के लिए COVID-19 से रिलेटेड जो डेथ हुई है उसके चलते, तो तभी यहाँ पर इसका फायदा मिलेगा। और इंश्योर्ड जो पर्सन है यहाँ पर वो इंप्लॉयड और वेज कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू यहाँ पर एटलीस्ट 78 डेज से यहाँ पर हो ऑलरेडी, यानी कि अब मरने के बाद में रजिस्टर करा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। अगर बात की जाए EPFO यहाँ पर EDLI के तहत यहाँ पर जो फायदा मिलने वाला है, तो पहले 6 लाख था अब 7 लाख हो गया और मिनिमम 2.5 लाख तक देखने को मिलेगा, और रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर के लिए, तो देखते हैं कैसे इसका फायदा होता है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में जो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो आइए फटाफट 1 मिनट के अंदर आप देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, एक रिकैप कर लेते हैं ताकि लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएं। एक इंपॉर्टेंट डे और उसकी थीम जानी जो कि याद रखना, यहाँ पर फूड सेफ्टी के बारे में बात कर रही है।
नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चीजें समझी ये याद रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करें। कटहल के बारे में कुछ बातें कि आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा वो जरूर बताना कटहल के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ईरान और यहाँ पर जो IAEA के बारे में क्या क्या रस्साकसी चल रही है। इसी के साथ में एक पर्टिकुलर वोल्केनो का इरप्शन हुआ कोंगो के अंदर, वो हम लोगों ने समझा और लोकेशन भी देखी। यहाँ पर बात की जा रही थी ओरा विलियन, ये पर्टिकुलर ये अभी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्री है उसके बारे में बात की और ये पर्टिकुलर रीजन भी आप लोगों ने देखा जो कि काफी मुझे देखने में तो काफी अच्छा लगा, आप लोग बताइए कैसा लगा। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने लॉन्ग न्यूज में लंबी न्यूज है उसमें हम लोगों ने ब्लैक कार्बन इंटरनेशनल न्यूज में समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने नेशनल न्यूज के बारे में बात की यहाँ पर कहाँ पर ये ग्रीन गोल्ड के बारे में बात की जिसको बैम्बू बोला जाता है, कहाँ कहाँ पर उगाए जाते हैं और क्या क्या फायदा इसका देखने को मिल रहा है वो सारी बातें जानी। स्टेट न्यूज के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ब्लैक बक उड़ीसा के अंदर जो चीजें थी वो समझी। इकोनॉमी के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में जो रिपोर्ट है उसके बारे में समझा और कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रोविजन है वो भी जाना। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर MBA टेक के बारे में जाना, ये क्या है और कैसे फायदा पहुंचा रहा है वो समझा। सोशल इश्यू के अंदर हम लोगों ने पेंशन के बारे में बात की जिसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया है। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है तो अब पता चलेगा, अब आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है बेसिकली वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम के बारे में, तो बताइए जो आयरन रिच राइस ये यहां पर ब्रह्मपुत्र वैली किस राज्य में अभी देखने को मिले जो कि केमिकल फ्री फर्टिलाइजर यूज किया गया। इसी के साथ में इस वैरायटी को किस नाम से पुकारा जाता है ये बताइए। इसी के साथ में यहां पर एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट किस एजेंसी के नाम पर ये नाम रखा गया। नेक्स्ट यहां पर बात कीजिए किस कंट्री में माउंटेन यहां पर नैरंगोंगो ठीक है गोंगोंग ठीक है, तो ये नैरंगोंगो जो है यहां पर ये पर्टिकुलर अभी इरप्शन हुआ तो इंडियन आर्मी के द्वारा हेल्प की गई, तो बताइए कहां पर ये चीज देखने को मिली। ग्लेशियर ऑफ हिमालयस क्लाइमेट चेंज ब्लैक कार्बन और रीजनल रेजिलियंस किसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अभी वर्ल्ड बैम्बो डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ में इंडिया जो वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस कंट्री के बाद में ये बताइए। कौन से राज्य में बोला गया कि अभी ब्लैक बक की जो संख्या है वो डबल हो गई है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है ये बताइए। एमबी टेक डिवाइस जो है यहाँ पर अवध टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप की गई, तो ये कौन है यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बतानी है आप लोगों को ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार बन जाता है ओके। आइए अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया था सैटरडे में, क्योंकि संडे को आप लोगों का लेक्चर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहते हैं तो सैटरडे में यहां पर डिस्कस किया था ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की थीम आप लोगों को बतानी थी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब के द्वारा अपॉइंट किया गया यहां पर जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन उनका नाम आप लोगों को बताना है। यूपी बोर्ड सबसे पहला बोर्ड है कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, कब एस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट इंडियन टीचर जिनको ग्लोबल टीचर का अवार्ड मिला और वर्ल्ड एडवाइजर भी इनको बनाया जा रहा है। ग्लोबल कोच प्रोग्राम के बारे में बताना है आप लोगों को यहां पर किसके द्वारा लॉन्च किया गया और TPDP क्या है यहां पर यह भी बताना है ठीक है। 2+2 में कौन कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर पार्टिसिपेट करती है। इसी के साथ में यहां पर रूल क्या है अगर बात करें अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट के बारे में। नेक्स्ट बात करें ACCC के चेयरमैन कौन होते हैं ये भी आप लोगों को बताना है और कौन यहां पर अदर मेंबर होते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में IAS IPS जो है किस आर्टिकल के तहत देखने को मिलती है। ऑल इंडिया सर्विस जो क्रिएट की गई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वो यहां पर कब क्रिएट की गई ये आप लोगों को बताना है। तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आइए अब आंसर देख लेते हैं, इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है इसकी जो थीम थी यहाँ पर री इमेजिन, इसी के साथ में रिक्रिएट और रीस्टोर, यानी कि जो एनवायरमेंट बर्बाद किया है उसको फिर से सुधारो ऐसा बोला जा रहा है। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। जो यहाँ पर पैनल जिसके द्वारा इनका नाम रिकमेंड किया गया उस पैनल का नाम आप लोगों को बताना है। यूपी बोर्ड सबसे पुराना बोर्ड है 1921 का हमारी कंट्री में। रंजीत सिंह दसाले याद रखिएगा वर्ल्ड ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया और वर्ल्ड बैंक के द्वारा एडवाइजर भी इनको अभी बुलाया गया क्योंकि टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चला रखा है उसमें ग्लोबल लेवल पर काफी सारे टीचर को यहां पर एक तरीके से गाइड किया जाएगा। 2+2 जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है यहां पर ये डिफेंस और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके लिए देखने को मिलते हैं, मिलकर काम करते हैं और हाईएस्ट लेवल डायलॉग माना जाता है। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ जो कैबिनेट है ये हमारी कंट्री में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रूल जो यहां पर 1954 के तहत चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट यहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो हेड करते हैं और होम मिनिस्टर इसके मेंबर रहते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस ये आर्टिकल 312 के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा और एक नई सर्विस ऐड की गई जिसको ओल्ड इंडियन सर्विस बोलते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1966 यानी कि 1966 में ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखना ओके। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, जो मई मंथ का करंट अफेयर है वो कंप्लीट आप लोगों का करा दिया गया है, उसको रिवीजन है जो भी आप लोग या कुछ समझिए उसको पूरी वीडियो है, लगभग 2.5 घंटे की वीडियो बन गई डिटेल में डिस्कस किया जब तो थोड़ी लंबी हो गई, तो उसको एंजॉय कीजिएगा और PDF यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।